मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज भले ही हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी और रहेगी वो मुस्कान जो उनके नाम मात्र से चेहरे पर आती है। यूं तो उन्होंने कई तरह के मजाकिया नाम इजाद किए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक गजोदर भैया के बारे में आपको शायद ना पता हो। राजू के किसी भी शो में गजोदर भैया के नाम का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर क्या आपको पता है कि आखिर गजोदर भैया है कौन? नहीं तो इस बारे में हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। दरअसल गजोदर भैया कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि एक हेयर ड्रेसर का नाम है जो बचपन में राजू के बाल काटा करते थे। क्या नाम है आपका? राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है। जी जी, उनका बड़ा दुख हुआ इसका। जी, हमारे परिवार से थे वो, लोगों के अग्रस्त थे, उनका बड़े भाई थे वो। मगरायर गांव में रहते जी थे? जी जी, जो पीछे घर है यहीं में रहते थे। जी जी, यहीं रहते थे वो, यहीं खेले जी, यहीं पढ़े लिखे। खास बात यहाँ की है कि हाँ, शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता था। मेले का जो पहला उनका स्टेज शो था वो यही गाँव के ड्रामे में उन्होंने किया। मतलब उनकी जिंदगी का पहला जो प्रोग्राम था गांव से पे शुरुआत की थी। गांव में ही हुआ। अच्छा, और सब उनके सबसे बड़ी बात यह रही कि इतने बड़े कलाकार होते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा और अपने आसपास के जो वातावरण गांव के बुजुर्ग थे उनको नहीं भूले। वो गजोधर जिस तरह के नाम लेते थे तो गाँव से ही वो गजोधर यही गाँव के थे वो? जी जी, मगरायर गाँव के। हाँ, वो अभी हैं जीवित? नहीं, नहीं जीवित हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद के बेटा ससान गांव में, जो कि राजू श्रीवास्तव जैसे महान कलाकार का ननिहाल रहा है। यहां पर एक उन्होंने एक जीवांत की थी नाम, जिसको गजोधर भैया कहा गया है। आज भी वो लोगों की ज़बान पर एकदम रटा रटाया है, राजू मतलब गजोधर भैया। आइए, हम मौजूद हैं इस वक्त गजोधर भैया के परिवार के साथ, जानते हैं क्या रिश्ता था, क्या कब जब वो आते थे तो गजोधर भैया से कैसे मुलाकात करते थे, क्या रिश्ता था दोनों के बीच में और क्या क्या बातें होती थी। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकू है। रिंकू जी, ये बताइए, क्या गजोधर भैया जो थे वो कौन थे? आपके पिताजी? आपके पिताजी थे। किस तरीके का रिश्ता था राजू श्रीवास्तव जी से उनका? हमारे बुआ के लड़का हैं। गाँव के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से वो बुआ के लड़के थे। हाँ, तो किस तरीके से हंसी मजाक और क्या होता था दोनों बीच में? अरे बहुत बढ़िया भाई का रिश्ता था। भाई बढ़िया, अपन बैठा उठा सब व्यवहार था। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मंच से उन्होंने गजोधर भैया को विश्वविख्यात कर दिया, अमर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हम अच्छी बात है, बढ़िया है, बढ़िया कई दिन। आज कम से कम इनके आज वो कलाकार न होती तो आज इनका नाम कैसे होत? यही बहाने हमारे पिताजी का नाम आ गया। गांव के लिए उन्होंने क्या क्या किया अभी तक? गांव के लिए बढ़िया विकास किया, गांव के लिए विकास, सबका, गरीब दुखिया सबका मदद किया। जब आते थे तब वो गाँव वालों से बराबर मिलते थे? अरे सब जो को सुनत रहे, सबको आवत रहे, दौड़ दौड़े आवत रहे, ख्याल में आते अपन आए राजू भैया आए, राजू भैया आए, सब जने आवत रहे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दादा इंद्रपाल। इंद्रपाल, क्या रिश्ता था आपका गजोधर जी? हमारे भाई साहब का नुकते था भाई। अच्छा, क्या लगता था आपको कि जो गजोधर भैया जो मशहूर हो गए, मेरे पिता का नाम है, जो मशहूर हो गए उनके लिए जो राजू भैया ने कर गए हैं कि मतलब हर स्टेज पे हर मतलब अपने किस्से कहानियों में उनका लगातार नाम लेना, नाम लेकर उनको मशहूर करना, तो क्या लगता है कि उन्होंने क्या दिया है गांव को? गांव को सबके साथ मिला जुलती कई के सपन, चाहे जहाँ चाहे जमीन मतलब बैठ जाए, चाहे जहाँ बैठ जाए, उनका कोनो वह नहीं ना। कैसा लगता है कि आपके पिताजी को इतना महान बना दिया उन्होंने? बढ़िया बनाया ना वो, बढ़िया उनका नाम अब ले रहे हैं। क्या जब वो आते थे गांव तो आपके पिताजी बार बार थे तो उनके क्या बाल वाल काटने का कुछ? बाल वाल काटते रहे, दाढ़ी बना देते रहे उनके, हम खुदे बना देते रहे उनके। दिवंगत राजू के ननिहाल बेहटा ससान में ही असली गजोधर भैया का परिवार रहता है, जिनका जिक्र राजू अपने हर प्रोग्राम में किया करते थे। हालांकि गजोधर भैया भी इस दुनिया को 2017 में अलविदा कह गए थे। जैसा कि हमने बताया कि गजोधर भैया दिवंगत कलाकार राजू के ननिहाल के एक हेयर ड्रेसर हुआ करते थे जो बचपन में राजू के बाल काटते थे। लेकिन राजू के जीवन में गजोधर भैया का किरदार बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि अक्सर वो अपने शो में गजोधर भैया का नाम जरूर लेते थे। गजोधर भैया के बेटे बताते हैं कि राजू जब भी ननिहाल आते थे तो पैदल ही पूरे
गांव में घूमा करते थे और एक फेमस आर्टिस्ट होने के बाद भी कभी राजू के अंदर किसी तरह का कोई घमंड नहीं देखने को मिला। बात करें दिवंगत कलाकार की तो उन्होंने 21 सितंबर को दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली। राजू को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो कोमा में चले गए। कई कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजू के सरल स्वभाव को कोई भी नहीं भुला सकता और उनकी यादें चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।